कुछ घंटे पहले ही बिग हिट म्यूजिक ने अपने खास मेंबर जे होप के सेना में भर्ती होने की बात उनके फैंस को बताई थी। इसके बाद अब रविवार को जे होप ने अपने फैंस के साथ लाइव सेशन किया और अपने फैंस से जुड़े। इस दौरान जे होप ने अपने सेना में भर्ती होने का कारण बताते हुए फैंस को बताया कि कैसे उन्हें उनके साथी जिन ने सेना में भर्ती होने की सलाह दी और उन्होंने उसे माना है। सेशन के दौरान उन्होंने फैंस के लिए कुछ खास प्रिपेयर करने की बात भी कही। साथ ही जे होप ने अपने फैंस को जल्दी ही वापस आने का भरोसा भी दिलाया। जे होप ने अपने फैंस के साथ बातचीत में जो कहा उसे एक ट्विटर यूजर ने ट्रांसलेट करते हुए बताया, हाँ प्रक्रिया शुरू हो गई है जैसा आपने सुना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने इसके लिए आवेदन किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुरंत भर्ती हो जाऊंगा। मेरे दिमाग में ये था जब मैं अपने जन्मदिन पर लाइव कर रहा था, लेकिन मैं जो कह रहा था उसके बारे में थोड़ा सावधान था। जिन ह्यून के भर्ती होने के बाद से मैं पिछले साल से इस प्रक्रिया के बारे में सोच रहा था। समय इतनी जल्दी बीत गया, मैं 30 साल का हो गया हूँ। जे होप 30 साल का हो गया है, मेरा जन्मदिन बीत गया है, ये सारा समय इतना सार्थक रहा। उन्होंने आगे कहा, नोटिस जारी होते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जैसे जे हुआ पो मुझे खबर मिल गई। हमने प्रक्रिया के बारे में इस और उस सामान के बारे में बात की और उन्होंने मुझे सामान के बारे में सलाह भी दी। लाइव सेशन के दौरान जे होप के फैंस कमेंट सेक्शन में इमोशनल हो गए। ऐसे में जे होप ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। मैं आप पर भरोसा करता हूँ जब भी, और आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? आपने आप पर विश्वास करे और मुझ पर विश्वास करे। वैसे भी मैं तुरंत भर्ती नहीं हो रहा हूँ, ये सच है। कमेंट से ऐसा लगता है कि वो मुझे पहले ही दूर भेज रहे हैं। ऐसा अभी नहीं हुआ है, हमने केवल प्रक्रिया शुरू की है। बल्कि मैं जब सेना में सेवाएं देने जा रहा हूँ, इस दौरान भी मैंने सिर्फ आपके लिए चीज़ें तैयार की है। जैसा कि आप जानते हैं जे होप का व्यक्तित्व, मैं हमेशा की तरह कई चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और कई चीज़ें तैयार करता हूँ। जाने से पहले लाइव आने के फैन के सवाल का जवाब देते हुए जे होप ने लाइव सेशन में कहा, बिल्कुल, क्या मुझे अपना सिर मुनवाने के बाद आना चाहिए? ये विदाई नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जो बात मुझे थोड़ा दुखी करती है वो ये कि मैं सभी सदस्य के सोलो के खुश नहीं कर पाऊंगा। मैं बस चुपचाप उन्हें खुश कर दूंगा। अपकमिंग एल्बम फेस को लेकर जिमिन की बात करते हुए जे होप ने कहा, मैंने जिमिन के मुख्य ट्रैक को सुना है, सभी को नहीं, इसलिए मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।